है। किसान मोर्चा किसान के समर्थन में उतर आया है। कमीशन एजेंट पर कार्रवाई ना करने पर मंडी बंद करने की चेतावनी और धमकी भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मंडी का कमीशन एजेंट किसान के अनाज पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जब किसान ने इसका विरोध किया तो कमीशन एजेंट ने किसान के साथ ही मारपीट कर डाली। किसानों का आरोप है कि मंडी समिति ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त जुड़ गए सीधे कोटा से बातचीत करने के लिए। हिमांशु, निश्चित रूप से किसान जो मेहनत करके फसल उगाता है वो चाहता है कि उसकी उपज का कम से कम बिकने के बाद दाम मिले उसे, ताकि उसके घरों में खुशियां आएं। लेकिन यहां तो किसानों के साथ ही मारपीट हो रही है, मंडी प्रबंधन भी इसको लेकर खामोश है। क्या कुछ वजह है और क्या कुछ ये पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है फिलहाल? आशीष, देखिए अन्नदाता के सामने चुनौतियां कई सारी हैं। सबसे पहले मौसम से उसे लड़ना होता है, खेतों में खून पसीने से सींच करके अपने अनाज को मंडी में बेचने के लिए लेकर के आता है। यहां पर भी अब जो मामला सामने आया वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि किसान का जो अनाज है वो मंडी में जो कमीशन एजेंट है उसने ही उस अनाज पर कब्जा कर लिया। फिलहाल अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि मंडी समिति ने इस गंभीर मामले पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे जो किसान है, किसान मोर्चा है, वो एकजुट होकर के यहां पर आ गया है। और अब जो भामाशाह मंडी है उसे बंद करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। कृषि उपज मंडी के ऑफिस में ही, भामाशाह मंडी के ऑफिस में ही यहां पर तमाम जो किसान प्रतिनिधि और किसान पहुंचे हैं वे सब कितना गंभीर मामला मानते हैं इसको, क्योंकि निश्चित तौर पर एक किसान का जो अनाज है उस पर कब्जा हो जाए गंभीर मामला है। जो किसान पूरी मेहनत करके 6 महीने तक मेहनत करता है और कमाई करता है और उस कमाई को लेकर मंडी में बेचने आए और बेचने आए और उसके ढेर पे कब्जा हो जाए तो उसके सारे अनुमान पानी में भेजाते हैं। इसी तरह का मामला भामाशाह मंडी में हुआ। एक किसान माल बेचने आया और वो जब माल डाल कर गया और दूसरे दिन उसको संभालने आया तो उस पर दूसरे आड़तिया का लोग लगा हुआ था लोगों और कब्जा दूसरे लोगों ने कर रखा था। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ इतनी मारपीट हुई कि वो लोलुहान हो गया, उसके सिर में टांके आए। फिर भी प्रशासन और मंडी कमेटी से हमने मांग की कि भाई ऐसे आड़ती के खिलाफ आप कार्रवाई करें, उसको नोटिस दें या उसके खिलाफ वो जो भी है वो जो उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बातचीत नहीं होती, आप लोगों ने मंडी को बंद करने की चेतावनी यहाँ पर दी है और यहाँ पर आप लोग धरने पर भी बैठने वाले हैं? भाई हमारी तो मांग सेक्रेटरी साहब से यही है कि उनके जो आड़तियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें तो मंडी बंद हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसानों को परेशान करें। किसानों को परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हमें तो केवल आड़ती के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई का वो आश्वासन दे देते हैं, हम अभी खत्म कर देंगे मामला। इतना गंभीर है ये मामला कि किसान के अनाज पर कब्जा हो जाए? भाई मामला तो बहुत गंभीर है। इसे जो कोई किसान आता है यहाँ उसका कौन धनी धरी है? व्यापारी की तो यहाँ दुकानें सब किसान का, तो किसान के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने मारपीट की है। क्या वो कई ऐसे किसान है जिनके साथ में इस तरीके का वाकया पेश आया है, या कोई एक किसान है जिनके साथ में ऐसा हुआ है, तो क्या उनसे बातचीत हो सकती है? उनसे भी पूछने की कोशिश कीजिए। देखिए नहीं आशीष, देखिए आपको बता दें कि ये भामाशाह मंडी में अगर बात करें तो ये पहला ऐसा मामला है जो निकल कर के आया है कि जब किसान के साथ में इस तरह का वाकया पेश आया हो। इससे पहले भामाशाह मंडी में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल वो जो किसान है वो हमारे साथ में है। किसान को राज को अपहरण कर लिया गया है आड़तिया द्वारा, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है और हम अभी FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। बात कीजिए पूरे मामले को। माल बेचने आता था उसको आपके भाई के साथ में पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, क्या कुछ हुआ पूरा आप बताएं, क्योंकि आपके भाई के साथ का ये पूरा घटनाक्रम है। मारपीट हुई, मारपीट डर के मारे घर के बाहर नहीं निकल रहा हूँ। घर के बाहर निकल रहा फोन से तो बारह सुबह से अभी जान को उठा के लेगा उनको। किस तरह की धमकी दी गई? धमकी जान से माने धमकी दे रही, फैसला करो। कहाँ से फैसला करेगा? मतलब माल में कब्जा कर लिया उसका फैसला करवा रहे, ये तो गलत बात है। उसी से नहीं हुआ है वो मेरे से बोल रहे 12 पैसे। आप पुलिस के समक्ष गए? पुलिस के सामने उन्हें आश्वासन दिया कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, कार्रवाई मना नहीं कर रहे। बिल्कुल देखना होगा हिमांशु की क्या कुछ कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आश्वासन दिया है, चल रही है वो अपने अपने तरीके से। किसान एकजुट होकर मंडी समिति के खिलाफ भी जाने की बात पर विचार कर रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अगले कदम इन किसानों के दिखाई पड़ेंगे ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।